ईस्ट इंडिया के तारापीठ और कालीघाट के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंदिर माँ भवतारिणी दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 1855 लोकमाता रानी रासमणी हुगली गंगा भागीरथी नदी के ईस्ट साइड में एक खूबसूरत मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली। माँ काली आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, आप सभी का मनोकामना पूरी करे। आज हम वर्चुअली एक खूबसूरत दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे और वर्चुअली एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। आप बाई मेट्रो, बाई ट्रेन, बाई बस कैसे आप मंदिर पहुँचोगे, मंदिर का टाइमिंग्स क्या है, मंदिर में पूजा देने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, मंदिर के भोग प्रसाद कितना बजे से शुरू होता है, भोग प्रसाद के प्राइस क्या है, मंदिर के अंदर आप क्या क्या दर्शन कर सकते हो, दक्षिणेश्वर मंदिर के बाद आप कैसे आद्या पीठ, शक्ति पीठ पहुँचोगे, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वर्चुअली वन बाई वन एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। हैशटैग दक्षिणेश्वर टेम्पल, हैशटैग कोलकाता टूर गाइड। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता के हावड़ा और सियालदा से दक्षिणेश्वर मंदिर की दूरी अप्रोक्स 12 किलोमीटर और दक्षिणेश्वर मंदिर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दक्षिणेश्वर स्टेशन। सियालदा से बाई ट्रेन ओनली 5 रुपए दे के आप दक्षिणेश्वर पहुंच सकते हो। कोलकाता के कोई भी मेट्रो स्टेशन से आप बाई मेट्रो भी दक्षिणेश्वर मंदिर आ सकते हो। हमने कोलकाता के न्यू गोड़ी एरिया से मेट्रो में ओनली 25 रुपए दे के दक्षिणेश्वर पहुंचे। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन बहुत खूबसूरत है। आप स्टेशन एग्जिट रास्ते में ही भगवान रामकृष्ण, शारदा मणि, विवेकानंद जी का मूर्ति देख सकते हो। और स्टेशन से आप जैसे बाहर निकलोगे, बाहर ही आपको रिक्शा मिल जाए। रिक्शा में आप ओनली 30 रुपए दे के मंदिर तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे टोटो भी चलता है स्टेशन के बाहर। टोटो में आप ओनली 10 रुपए दे के आप मंदिर तक जा सकते हो या फिर आप स्काई वॉक से भी मंदिर तक जा सकते हो। मेट्रो स्टेशन से आप जैसे बाहर निकलोगे, एग्जिट रास्ते में है एक खूबसूरत दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर। देखिए ये भी दक्षिणेश्वर मंदिर के जैसा बनाया गया है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन, ये है दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर और ये है स्काई वॉक। यहाँ से ही हम लोग मंदिर तक जाएंगे और यहाँ से ही आपको टोटो मिल जाएगा, ऑटो मिलेगा। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट साइड साइड। चलिए हम लोग स्काई वॉक के थ्रू मंदिर जाएंगे। स्काई वॉक में डिस्टेंस है अप्रोक्स 300 मीटर। खूबसूरत स्काई वॉक का नेम है रानी रासमणी स्काई वॉक। यहाँ पे बहुत सारे आपको पूजा सामग्री दुकान मिल जाएगा। अब मंदिर के लिए प्रसाद, फूल, माँ के लिए साड़ी, चुन्नी, ये सब यहाँ से परचेस कर सकते हो। मंदिर के पास भी दुकानें हैं, उधर से भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। प्लस फ्लावर, मिठाई, ये सब ले सकते हो। 50 रुपए से लेके 500 के अंदर आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा। स्पेशल है जवा फूल के माला, एक इतना करके 10। मंदिर के अंदर भी शू रखने का, मोबाइल रखने का जगह है, अलग से एक स्टैंड है। आप चाहो तो यहाँ पे स्काई वॉक में जिस दुकान से आप प्रसाद लोगे उसी दुकान में आप अपना चप्पल या फिर मोबाइल बैग छोड़ सकते हो। यहाँ पे रखने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन आपको मंदिर के पास रखने के लिए चार्जेस पे करना है। मेट्रो स्टेशन से ओनली 5 मिनट पे अभी हम लोग पहुँचे स्काई वॉक एग्जिट गेट। ये है स्काई वॉक एग्जिट गेट। यहाँ से नीचे उतर के सामने ही है दक्षिणेश्वर मंदिर एंट्री गेट, मेन एंट्रेंस। स्काई वॉक मॉर्निंग 7 बजे ओपन होता है और 12 बजे क्लोज हो जाएगा। फिर 3 बजे ओपन होगा, फिर शाम को 7-8 बजे स्काई वॉक क्लोज हो जाता है। मंदिर के टाइम के हिसाब से ये ओपन और क्लोज होता है। ओके, ये है दक्षिणेश्वर मंदिर के खूबसूरत एंट्री गेट। अगर आप टोटो, ऑटो या फिर रिक्शा से आओगे, आप ये रास्ते से आओगे, ये रास्ते से आके टोटो ऑटो आपको यहाँ पे छोड़ेगा। यहाँ से आपको पैदल मंदिर के अंदर जाना है। और ये जो मेन एंट्री गेट दिख रहा हो, एंट्री गेट का राइट हैंड साइड से इधर से आप फेरी घाट जा सकते हो। फेरी घाट से आप फेरी लेके बेलूर मोड़ जा सकते हो। बेलूर मोड़ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो बेलूर मोड़ के वीडियो भी देख सकते हो।
गेट से आप एंट्री करके आप सामने देख सकते हो रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत बड़ा सा एक म्यूरियल आर्ट। देखिए मेन गेट से प्रवेश करके आपको सामने चलना है, सामने है मेन मंदिर, और मेन एंट्री गेट से आप अंदर आके राइट हैंड साइड में है दक्षिणेश्वर पार्किंग। आपको यहाँ पे आवर के हिसाब से चार्जेस पे करना है। एक घंटे के लिए आपको चार्जेस देना है बाइक के लिए 10 रुपये और फोर व्हीलर के लिए 15 रुपये। पार्किंग एग्जिट गेट से एग्जिट होके आप थोड़ा सा आगे आओगे, थोड़ा सा आगे आके मंदिर के 50 मीटर आगे राइट हैंड साइड में है शू स्टैंड, लगेज बैग स्टैंड। आप यहां पे अपना मोबाइल या फिर कैमरा जमा कर सकते हो। और शू स्टैंड के जस्ट बगल से एक रास्ता अंदर जा रहा है, यहां से आप दक्षिणेश्वर मंदिर पॉइंट जा सकते हो। और यहां से दक्षिणेश्वर मंदिर का बहुत ही खूबसूरत एक व्यू मिलता है, यहां पे गार्डन भी है। चलिए अंदर चल के आपको यहां से मंदिर का दर्शन कराते हैं। स्टैंड से आप आगे आओगे, आगे आके आपका लेफ्ट हैंड साइड में है विवेकानंद जी के बहुत ही खूबसूरत एक बड़ा सा एक स्टैचू, और स्टैचू के जस्ट पीछे है पूजा सामग्री परचेस काउंटर दुकान, वहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएगा बहुत सारे। यहाँ से आप मंदिर के अंदर पूजा देने के लिए डाला, प्रसाद, मिठाई, फूल परचेस कर सकते हो। आप स्काई वॉक से भी परचेस कर सकते हो, आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। प्राइस वही सेम ही है, 10-20 रुपये इधर उधर हो सकता है। पूजा सामग्री दुकान से आप प्रसाद लेके बाहर आओगे, बाहर आके ये सामने ही है एंट्री गेट, मेन मंदिर एंट्री गेट प्रवेश द्वार। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल कैमरा छोड़ के यहाँ पे चेकिंग करके आपको अंदर प्रवेश करना है मेन मंदिर के अंदर। यहाँ से आपको लाइन दे के प्रवेश करना है, यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लाइनें हैं। ये देखिए, ये है खूबसूरत दक्षिणेश्वर मंदिर के एंट्री गेट। यहाँ से आपका एंट्री रहेगा और एग्जिट रहेगा दर्शन के बाद यहाँ से। और ये एंट्री गेट के सामने ही है खूबसूरत तुलसी मंच, देखिए कितना खूबसूरत है। प्रवेश द्वार के जस्ट ऑपोजिट साइड में है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करके अंदर में है ठाकुर श्री रामकृष्ण जी के बहुत बड़ा सा एक मूर्ति, और रानी रासमुनि जी मार्बल पत्थर से बना एक सिंहासन में बैठते थे। वो मार्बल पत्थर का सिंहासन अंदर में रखे हैं। आप वो मार्बल पत्थर के सिंहासन आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। और एंट्री गेट और लाइब्रेरी के जस्ट बीच में ही है लोकमाता रानी रासमणि मंदिर। लोकमाता रानी रासमणि मंदिर, मंदिर के जस्ट पीछे है रानी रासमणि जी के घर, और घर के जस्ट पीछे ही है गंगा घाट।
घाट में यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे लेडीज लोगों के लिए चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। रानी रासमणि जी का घर के सामने ही है बहुत सारे मुनि ऋषि के मूर्ति। गंगा किनारे यहाँ पे जितना भी मुनि ऋषि का मूर्ति है, सब मूर्ति इन्होंने सब दक्षिणेश्वर मंदिर से दीक्षा लिए थे। यहाँ पे दो स्नान घाट है, एक स्नान घाट है रानी रासमणि जी का घर के बगल में वहाँ पे, और एक है मंदिर के जस्ट पूरा राइट हैंड साइड में। ये जो आप शिव मंदिर देख रहे हो, ये शिव मंदिर के सामने वहाँ पे है और एक स्नान घाट। चलिए अभी हम मोबाइल और कैमरा जमा करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन के बाद आपसे फिर मिलते हैं। दर्शन के बाद हम लोग महाप्रसाद भोजन करेंगे। 1855 लोकमाता रानी रासमणि हुगली गंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। उस टाइम में मंदिर निर्माण में 8 लाख रुपए खर्च हुआ था। एक बार ठाकुर रानी रासमणि काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते थे। विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले ठाकुर जी को सपना देश हुआ कि हुगली भागीरथी गंगा नदी के किनारे 12 शिवलिंग के साथ माँ काली के एक मंदिर प्रतिष्ठा करना चाहिए और भवतारिणी नाम पे हर दिन पूजा करना चाहिए। उस टाइम में मंदिर के प्रधान पुरोहित थे ठाकुर श्री रामकृष्ण। कहा जाता है ये मंदिर में आके पूजा देने से हर किसी का मनोकामना पूरी होता है। मंदिर के सामने डालाघर से हमने 50 रुपए में फूल प्रसाद लेके मंदिर के अंदर प्रवेश किए। मूल द्वार से अंदर प्रवेश करके राइट हैंड साइड में है देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। ये भवतारिणी मंदिर गर्भगृह हाइट अप्रोक्स 110 फीट और मंदिर कॉम्प्लेक्स टोटल एरिया 8 हेक्टर्स। गर्भगृह के सामने है नाट मंदिर और पीछे है राधा कृष्ण जी के मंदिर। मंदिर में ज्यादा भीड़ होने से दर्शन और पूजा में आपका 1 घंटा तक टाइम लग सकता है। मंदिर में पूजा होने के बाद अब ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शयन घर का दर्शन अब जरूर करो। दक्षिणेश्वर मंदिर ओपनिंग टाइम मॉर्निंग 6:30 AM टू 1 PM एंड 3:30 PM टू 8 PM। दर्शन के बाद आप डाला घर के पीछे मंदिर के ओपन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ सकते हो। यहाँ से आप अपने घर के लिए किसी को गिफ्ट करने के लिए पूजा सामग्री ले सकते हो, शंख ले सकते हो। दक्षिणेश्वर मंदिर का शंख बहुत फेमस है, आपको इधर से बहुत ही सस्ते में शंख मिल सकता है। यहाँ पे कुछ चटपटे खाने पीने का दुकानें हैं, आप इधर से मुड़मुड़ा भेलपुरी झालमुड़ी सामोसा घुगनी पूरी ले सकते हो। मंदिर में पूजा देना हो गया, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। मंदिर में अगर आप भोग प्रसादम लेना चाहते हो, मेन मंदिर का राइट हैंड साइड में है भोग प्रसादम कूपन काउंटर, वहाँ से आपको 100 रुपीज दे के कूपन लेना है। 9 से 10 बजे के अंदर आपको भोग का कूपन लेना है। फिर दोपहर का 12:30 PM से भोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होता है मंदिर का सामने में। भोग प्रसादम आपको अगर नहीं मिलता है तो मंदिर एग्जिट गेट से आप बाहर जाओगे, बाहर जाके आपको रिक्शा लेना है आधा पीठ के लिए। उधर आप ओनली 60-70 रुपए दे के माँ काली महाप्रसाद वहाँ पे भी जाके आप भोजन कर सकते हो। अभी चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं आधा पीठ। और ये पूजा सामग्री काउंटर के जस्ट अपोजिट साइड में है फूड प्लाजा। ये फूड प्लाजा में जाके आप डोसा इडली वेज आइटम ले सकते हो। इधर से मंदिर एंट्री गेट से बाहर जाके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ दुकानें मिलेगा, आप यहां से वेज आइटम पूरी सब्जी चावल रोटी ले सकते हो। इस स्थान में कुछ होटल और लॉज है, आप चाहो तो ये लॉज होटल पे नाइट स्टे कर सकते हो। मैं कुछ होटल का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप एक दिन में दक्षिणेश्वर मंदिर आधा फीट और बेलूर मठ की यात्रा कर सकते हैं। पहले सुबह सुबह आके आप दक्षिणेश्वर मंदिर की यात्रा कीजिए, फिर आधा फीट जाइए। आधा फीट मंदिर ओपन रहता है 2:30 बजे तक, वहाँ पे जाके आप महाप्रसाद भोजन कीजिए। फिर वापस आप दक्षिणेश्वर मंदिर में आके फेरी लेके आप बेलूर मठ पहुँचिए। बेलूर मठ पहुँच के उधर बेलूर मठ दर्शन कीजिए। अभी हम लोग आधा फीट जा रहे हैं, टोटो में ओनली 10 रुपए दे के। दक्षिणेश्वर मंदिर से ओनली 5 मिनट पे हम आधा पीठ पहुँचे। आधा पीठ मंदिर के अंदर ऑफिस में जाके हमने 60 रुपए दे के भोग का कूपन लिए। यहाँ पे भोग का कूपन मिलता है मॉर्निंग के 11:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। मंदिर के अंदर भोग प्रसादम के लिए अलग से बिल्डिंग है, दोपहर के 12 बजे से 2:30 बजे तक आप यहाँ पे महाप्रसाद महाभोग भोजन कर सकते हो। भोग में यहाँ पे पुलाव राइस, बैंगन के पकौड़ा,
सादा राइस, आलू का सब्जी, खिचड़ी, एक साग पत्ते के सब्जी और साथ में मिलता है मीठा चाटनी और खीर। अन्न भोग प्रसाद भोजन के बाद अब आधा पीठ महाकाली के दर्शन करके टोटो रिक्शा में 10 रुपए दे के रिटर्न मेट्रो तक जा सकते हो। दक्षिणेश्वर मंदिर के वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें।